फरीदाबाद के गांव नरियाला में दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें पूर्व सब इंस्पेक्टर ब्रजलाल की मौत हो गई। मृतक पूर्व सब इंस्पेक्टर ब्रजलाल के बेटे और पड़ोसी के लड़के का झगड़ा हुआ था। इस कहासुनी में पूर्व सब इंस्पेक्टर ब्रजलाल की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। दरअसल फरीदाबाद के गांव नरियाला में मृतक पूर्व सब इंस्पेक्टर ब्रजलाल के बेटे और पड़ोसी के लड़के का झगड़ा हुआ था। मृतक के बेटे ने बताया कि आरोपी पक्ष उनसे गाली कहासुनी झगड़े में तब्दील हो गई और इसी झगड़े के दौरान पिता की मौत हुई है। वहीं जयप्रकाश भारद्वाज, जो कि मृतक के परिजन हैं, उनका कहना है कि कुछ गुंडा प्रवृत्ति के लोगों ने मृतक के बेटे के साथ झगड़ा किया, मारपीट की, गाली गलौज भी की। इस दौरान पूर्व सब इंस्पेक्टर ब्रजलाल की मौत हुई है। कुछ नहीं, वो गाली दे रहा था, मैंने उससे पूछा था भाई क्यों गाली दे रहा, फिर आके हाथापाई कर दी। हाँ। मैं उसके बाद घर चला गया, फिर घर आया अपने भाई को लेके। हाँ। फिर पापा में धक्का मारा, मेरे धक्का मारा था, मैं पीछे जाके वो कांच वैसे पता नहीं क्या मारा उसने हाथ में, वो सारा वो कर दिया। फिर वहाँ से वो भाग गए, जैसे चाचा हर आए थे तो वहाँ से निकल के भाग गए। किस बात पे गाली गलौज कर रहा था आपसे? वैसे ही नशा में। आपका किस चीज़ का काम है बेटा? मेरा परचूने की दुकान है जी। कहीं गांव में? हाँ जी। कौन से गांव में है ये? नरियाला गांव। किस नाम से दुकान? कौशल किराना स्टोर। और कोई पुरानी कोई रंजिश तो नहीं थी आपकी? नहीं। दूसरी बात, कोई ये सामान मांग रहे हो और आपने मना किया? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। और कोई बात नहीं। क्या नाम था मारने वाले लड़के का? एक सचिन था, उसका बड़ा भाई था कपिल। सचिन। मेरा ताऊ का लड़का सिविल इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस में गुड़गांव से एक महीना पहले रिटायर्ड हुआ था। जो ही बच्चों में झगड़ा हुआ दुकान पर, वो हमारे यहाँ गुंडा तत्व के दोनों बच्चे हैं, वो इस लड़के को पहले गाली गलौज करके गए। फिर ये घर पर आ गया तो इसने अपने मम्मी पापा को बताया। इतनी देर में वो दोनों मोटरसाइकिल पर आए, फिर इसको हाथापाई करी, भाई ने थानेदार ने बचाने की कोशिश करी तो उसको धक्का मुक्क मारे और सड़क पर धक्का देके उन दोनों को, जब इन्होंने शोर मचाया तो वो भागने लगे। फिर मेरे ब्रदर बड़े आ गए और ताऊ के लड़के आ गए, उनको देख के वहाँ से भाग गए। और कोई बात तो नहीं? और पुरानी रंजिश तो नहीं है? नहीं, वैसे कोई पुरानी रंजिश नहीं है, पर वो दादा किस्म के लड़के हैं।